बिहार केसरी संविधान सभा के सदस्य, बिहार के वह व्यक्तित्व जो कि बिहार को सजाने का, संवारने का, बढ़ाने का काम किया है, उस गांव के लोग श्रद्धा से देखने आए। मैं भी जो प्रयास करने का है कर रहा हूं। मन के अंदर एक कसर जरूर रहता है कि काश ये काम मेरे विधानसभा क्षेत्र में होता तो मेरे मन के अंदर का भाव का प्रकटीकरण उस रूप में होता, लेकिन नहीं भी है। हम साथ हैं, आप एक प्रयास करें कि इस गांव के अंदर जो भी व्यवस्था बने। आज अपने सांसद भी हैं, विवेक ठाकुर जी अपना सांसद है, हम भी एक बार बात करेंगे, आप लोग भी बात कर करके यहाँ के जो लाइब्रेरी है, कम से कम वो लाइब्रेरी और पार्क एक बेहतर बने। इसके संदर्भ में आज लोगों ने कहा है कि हम लिख करके मांगे हैं, आप आवेदन दीजिए। राज्य सरकार की ओर से भी इसका हम पूरा प्रयास कर करके, जहां से भी होगा, जैसे भी होगा, बनेगा लाइब्रेरी और पार्क भी विकसित होगा। ये श्री राम के लिए समर्पित भाव की शुरुआत होगी। और एक आग्रह करेंगे कि हम भगवान परशुराम के वंशज बनते हैं। वो शस्त्र के भी ज्ञाता थे, शास्त्र के भी ज्ञाता थे, और प्रचंड क्रोध भी उनके जिम्मे था, लेकिन क्रोध तो हम लोग के जिम्मे रह गया, तुनक मिजाजी रह गया, लेकिन शस्त्र और शास्त्र हमने छोड़ दिया, जिसके कारण ये गति हमारी हो गई। गांव के अंदर श्री बाबू के उस फुलवारी को सजाइए, जिस फुलवारी में हर तरह का फूल खिले, हर तरह का फल फले, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिवार, कोई भी जाति का पैर मूर्छित नहीं हो, सबको हम साथ लेकर के प्रधानमंत्री के भाव को, सबका साथ सबका विकास के भाव को आगे बढ़ाए। विधानसभा में प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि हम तो श्री बाबू के ही भाव को लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, और इस भाव को हमको आपको मिलके बढ़ाना है। उसका सेंटर प्वाइंट ये गांव बने, यहां से ये प्रकाश अगल बगल के गांव को प्रेरणा दे। ये गांव और हमारे यहाँ ही कई लाइब्रेरी हमने दिया, उस लाइब्रेरी से प्रोफेसर साहब बैठे हैं, आप लोग भी जानकारी लीजिएगा। एक प्रतापपुर का गांव, उस गांव में लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, और हर साल 5-6 सरकारी नौकरी में जाते हैं। ये माहौल है, सुबह शाम भीड़ लगी रहती है, तो आप एक शुरुआत करिए। इसके तकनीकी बाधा में यहाँ के जनप्रतिनिधि भागीदारी करें।